अगर आपने मेरा थंबनेल देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही आपको ये भी पता लगा होगा कि मैंने उस पर लिखा हुआ था कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, इस रेसिपी को बनाने में। तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर से दिखाऊंगी ताकि ये मिस्टेक आप नहीं करें, ताकि आपकी रेसिपी फेल नहीं हो मेरे जैसा। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट वन है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पीनट की कतली, यानी कि मूंगफली की कतली, जो एकदम काजू कतली को टक्कर देने वाली बनती है, उससे बहुत ही कम खर्चे में। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मूंगफली जो कच्चा वाला आता है वो लिया था, और इसे आपको एकदम लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाएगा और इसके छिलके अच्छे से नहीं निकलने लगेंगे। आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ना तो आपको मीडियम फ्लेम रखना है और ना ही आपको हाई फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखिए, इस तरीके से छिलके निकलने लगते हैं। तो बस यहीं पर गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरीके से छिलके बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं सारे छिलके आपको निकाल करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आप फेस्टिवल में इस तरीके से 200 ग्राम में बहुत सारे मूंगफली कतली बना करके तैयार कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मूंगफली को क्या करना है, बारीक सा पाउडर तैयार करना है जिसके लिए आपको मिक्सर जार में ऐड करना है और आपको बंद कर करके आपको चलाना है, कंटिन्यू नहीं चलाना है। और बिल्कुल इस तरीके का पाउडर बनाना है आपको, ये देखिए। अगर आपको मोटा लगे तो उसे आप छान सकते हैं छन्नी में। साथ ही यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आपको ऐड करना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर ये ऐड करने से इसमें मूंगफली का कच्चा वाला फ्लेवर और मूंगफली का टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल खाने में काजू कतली जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूर से ऐड करना है। तो 200 ग्राम में आपको 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो मूंगफली का कतली है वो परफेक्ट 100% नहीं बना था और वो फेल हो गया था। तो मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी इस वीडियो में। तो जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर आने वाली हूँ ताकि आपकी मूंगफली की कतली एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पर इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी ऐड किया है। आप जिस चीज़ से भी मेजरमेंट करें उसका डबल चीनी और उसका आधा पानी ऐड करिए। यहाँ पर इतना मीठा काफ़ी है 200 ग्राम पीनट के लिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा या फिर जितने क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करना है, कंटिन्यू इस तरीके से जब तक चीनी पानी के साथ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। साथ ही थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर लूँगी अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए। और यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मूंगफली का जो पाउडर है वो ऐड करते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी। यहाँ पर फ्लेम को आपको लो रखना है और एक बार में आपको ऐड नहीं करना है और उसे चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और यहाँ पर इस तरीके से मैं 2 बार में सारे मूंगफली का पाउडर ऐड कर दूंगी और यहाँ पर आपको ध्यान से अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर आपको तब तक मिक्स करना है इसे लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि ये जो हमारा मिक्सचर है अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिल नहीं जाता है और नॉन स्टिकी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में नहीं बना रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट लगते हैं मीडियम या फिर लो फ्लेम पर इसे पकाने में। और इस तरीके से मूंगफली में कोई कच्चा फ्लेवर भी नहीं था क्योंकि मैंने पहले से ही उसे रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 8 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से पक जाते हैं। तो ये मिक्सर एकदम परफेक्ट मेरा रेडी है। तो मैंने लिया है यहाँ पर स्टील का थाली। तो सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं ना अक्सर, वो यही करते हैं। अगर आप जब भी काजू की कतली या फिर मूंगफली की कतली बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टील की बर्तन नहीं लेना है। आप कितना भी घी लगा ले, कितना भी ऑयल लगा ले, वो उसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे कटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल चिपक जाएगा और बिल्कुल अच्छे से नहीं निकल पाएगा जैसे मार्केट वाला बनता है। तो
तो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं मूंगफली की कतली बनाती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से रोल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा सा रोल कर लिया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। और साथ ही यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दूंगी, यह ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास है तो आप लगाइए। अदरवाइज अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई चांदी के वर्क से टेस्ट वगैरह में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो मैंने तो यहाँ पर भर भर के एकदम चांदी का वर्क लगा लिया है ताकि ये बिल्कुल अच्छा दिखे। पर मैंने एक गलती कर दी। गलती वो करी कि मैंने इसे स्टील की थाली पर रख दिया है, और ये क्या होगा जब मैं इसे कटिंग करूँगी तो ये निकलता नहीं है बड़े आराम से, बहुत ही टफ हो जाता है इसे थोड़ा निकालना, और बिल्कुल भी मार्केट या फिर होटल जैसा लुक नहीं आता है। टेस्ट तो एकदम 100% डन है, टेस्ट आपका बहुत अमेजिंग आने वाला है अगर इस तरीके से आप पीनट कतली बनाते हैं तो। लेकिन बस थोड़ा सा लुक वाइज ये ख़राब हो जाता है, ये कतली के जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। यहाँ पर इसे आप मूंगफली की बर्फी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बर्फी वगैरह कट करें या फिर कतली को कट करें तो बिल्कुल आपको शार्प नाइफ के यूज़ करना है, और साथ ही नाइफ आपका प्लेन वाला होना चाहिए। जो खुरदरा ब्लेड वाला आता है वो आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना स्टिकी है। हमारा मिक्सर तो ड्राई हो गया था, जब ठंडा हुआ था तभी मैंने इसे थाली पर बेला था, लेकिन यहाँ पर ये जब मैं इसे निकालूंगी तो ये अच्छे से निकलता नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लूप एकदम बर्फी के जैसा, यानी कि काजू कतली जैसा, या फिर बोल सकते हैं कि पीनट कतली जैसा नहीं आ रहा है। तो बस इसमें लूप का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अगर आपको ऐसे चलेगा तो आप बना सकते हैं, या फिर अगर नहीं चलेगा तो आपको इसके लिए बटर पेपर लगेगा या फिर जो इको बेक पेपर आता है तो उस पर रख करके आप मिक्सर को रोल करिएगा। वो बिल्कुल नॉन स्टिकी होता है और उसमें चिपकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना मेहनत लग रहा है मुझे इसे निकालने में। जब ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, ऐसा तो ठंडा ही है ये, तो थोड़ा सा कम मेहनत लगता है, लेकिन शेप प्रॉपर बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इतनी मेहनत से इसे निकाला है। मुझे तो डर लग रहा था कि पूरा का पूरा एकदम ख़राब ना हो जाए, मुझे फिर से मेहनत ना करना पड़े, पर इस तरीके का निकल जाएगा। परफेक्ट शेप तो नहीं आता है, पर इस तरीके का हो जाता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो फाइबर के बर्तन होते हैं, जो फाइबर के प्लेट होते हैं या फिर थाली होते हैं, उसके ऊपर आप इसे रोल करके उसके ऊपर कट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी कट करके तो नहीं, पर उस पर कटा हुआ आपको दिखाऊंगी कि उस पर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट है, टेस्ट एकदम परफेक्ट है, बस थोड़ी सी कटिंग में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी शेप में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप त्यौहार में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, बस उस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखी यहाँ पर थोड़ा ड्राई और हो गया था, आधे घंटे बाद तो मैंने निकाला है, तो थोड़ा सा आराम से निकल रहा था, फिर भी इसका जो शेप है उस तरीके से प्रॉपर नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बन करके तैयार है, टेस्ट अमेजिंग है, बस थोड़ा सा लुक वाइज प्रॉब्लम है। अगर आपको चलेगा तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं चलेगा तो जो मैंने बताया है बस वही करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइबर का जो बर्तन होता है उस पर मैंने इसे कट किया है, जो आपको प्लेट दिख रहा है वो फाइबर का है। तो उस तरीके से जो थाली या प्लेट्स होते हैं मैंने उस पर ही इसे कट किया है, तो इसका जो शेप है थोड़ा सा फिनिशिंग में है। तो या फिर आप इको बेक या फिर बटर पेपर या फिर फाइबर के बर्तन का इस्तेमाल करें इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो आपका ये परफेक्ट एकदम 100% दिखने में भी मार्केट जैसा होगा और खाने में तो है ही। तो यहाँ पर इस रेसिपी को आप त्यौहार में बना सकते हैं, अभी दीपावली भी आ रहा है तो दीपावली में इस कतली की रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल काजू कतली को टक्कर देने वाली रेसिपी है, एकदम उससे सस्ते में है और बहुत टेस्टी है। खाने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे मूंगफली से बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करिए,
और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।